और अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां चिरायू हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है। चिरायू अस्पताल के डॉक्टर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां चिरायू अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होने का मामला सामने आया है। मरीज की मौत के बाद अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया है। चिरायू अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं परिजन हंगामा कर रहे हैं, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। चिरायू हॉस्पिटल का रिकवरी रेट सबसे अच्छा बताया जा रहा था, और उसके बाद अब इस घटनाक्रम को लेकर मरीज के परिजन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, चिरायू अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत का यह पूरा मामला है। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चिरायू हॉस्पिटल से। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी। आशीष, चिरायू हॉस्पिटल को लेकर रिकवरी रेट की बात कही जा रही थी कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका है, और उसके बाद आज इस तरह का घटनाक्रम सामने आना, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चिरायू अस्पताल को राज्य स्तरीय COVID-19 सेंटर बनाया गया है, और यहाँ पर जो कोरोना संक्रमित मरीज होते हैं उनका इलाज किया जाता है। लेकिन आज चिरायू अस्पताल के डॉक्टरों पर एक लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। एक संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी की यहाँ मौत हो गई है। पॉजिटिव पाए जाने पर अस्पताल में इस कर्मचारी को भर्ती किया गया था, और पिछले एक महीने से अस्पताल में इस मरीज का इलाज चल रहा था। लेकिन परिवारजनों का आरोप है कि पिछले 8 दिनों से परिवार वालों को मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी किसी भी प्रकार की नहीं दी जा रही थी, और इसके साथ ही फिलहाल जो है मीडिया को भी चिरायू अस्पताल में अंदर जाने से रोक दिया गया है। अस्पताल के परिसर में ही जो परिजन है वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, और फिलहाल जो चिरायू अस्पताल का प्रबंधन है उसके साथ प्रशासन पूरे मामले को दबाने में जुटा हुआ है। लेकिन कर्मचारी जो परिवारजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर 8 दिन से मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी क्यों नहीं दी जा रही, जबकि इस अस्पताल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। विकास जी, बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की खबर राजधानी भोपाल से है, जहां चिरायू अस्पताल में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया है।